पहले तो हमको जो नया डाल दिया कि हम किचन में नहीं, पापा तो मसाला खाते नहीं है, पापा ने कैसे डाल दिया? हमने कहा आपको गलत है, पापा से कह के देखो तब बताएंगे आपको, मम्मी खाती है मसाला मम्मी खाती है, पापा बगल बैठे मुंह गढ़ा रहा है तुम्हारा, तुम्हें तो देखने लायक नहीं लाइन में है लेकिन मसाला पापा तो रोगा है लेकिन एक लोग नहीं खाते हैं। पीछे लगा के ना असन की पुड़िया लगा दी, भूल गई वो धोखे से अंधेला था तो असन की मम्मी चाची सीओ जी असन के कौन खाते हैं सारा गैस है सब कुछ रखी है, बना खा भी सकते हो सब कुछ है घर के, जाती में जाती है ना, अब जाके जब कोई रहता नहीं बंद रहता अल्लाह तो थोड़ी बहुत देर गए घूम करके चले ये चीज मम्मी थोड़े दिन के लिए जाती है ले जाती है जाती है अब तो अच्छा बन गया मंदिर पूजा कर लेते हैं पहले पूजा हो गई पूजा कर दी तो बस अब फिर पोछा डालो पोछा डाल दें और पूजा बाद में करियो ना नहीं हम लोग कहाँ हम लोग उनका काम करी जाते कथा सुन भी करी जाती है करी जाती है हाँ भाई पूजा कर लो और क्या हाँ पोछा पहले डाल लो फिर पूजा करो भूल गए सब लोग हमें लग रहा है कितने दिन नहीं खाई है कितने दिन नहीं खाई है ये बताओ हमारे यहाँ जरा ऐसे होता है जैसे पोछा पड़ जाता है उसके बाद में पूजा तुमने कर नहीं नहीं सब लोग करते हैं हाँ और बाद में सुहागल वो सब सामान लेंगे और पैर छुएंगे और कोई खीर ना बनावे जो इनको देखे तो वो कहे हाँ एक मुट्ठी चावल में कहूँ खीर बनती है, एक बढ़िया दूध में कहूँ खीर बनती है ना बनावे। एक माता जी बैठी है फिर बाहर तो वे कह लगी है उनसे बोले कि माता जी माई खीर बना दो कह लाओ अंधेरा है मैं तो नहीं थे उनके तो कहने लगी लाओ बना दे तो खका गा दें वही अपन खीर बनावे लगी अपने बर्तन में डाल कहे मम्मी लाओ ना तो कहे ठीक है तो अपने बर्तन में डालत रही और बस चलावत रही वो उबलत रही बनत रही खूब सारे अपने घर के बर्तन भर भर के अपना कमरे में बंद करके रख दिए कि कोई भी कोई लड़का बच्चा जुठा नहीं दे तो उन्होंने रख दिए। और खका गाने ऊपर से आए उनके बहू सोची ला कुंडी खोली कुंडी माए अच्छी माए कह रही थी अब कुंडी खोल के एक अंगुलिया चाटी और कहा जय गणेश भगवान की तो गणेश भगवान का तो भोग लग गया जब बोले जय गणेश भगवान की तो भोग लग गया उनका और उबला बंद हो गई तो बुलावे गए कहा चलो और कहा कहने खाओ चले बहू कहने लगे हम तो खा चुके हैं कहें कैसे कहें तुम्हें बहू ने उंगली चाटा और कह दिया जय गणेश भगवान की तो हमारा तो भोग लग गया हम तो खा चुके कहने लगे तो आप गणेश भगवान हो कहे हाँ गणेश जी हैं हम तो कहे मांगो जो कुछ मांगना हो तो कहें क्या मांगे जाए अपने बच्चों से पूछिए आप कहें जाओ पूछिए आओ पूछे गए तो कोनो बहू लड़का बहू कहे कि हमारे लिए बेटा मांग लो कोई लड़का बहू कहे कि मैं धन दौलत मांग लो कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे ये कोई ना कहे तो अपने नेत्र मांग लो तो ये कहने लगे कि हमसे ये कोई नहीं कहता कि तुम अपने नेत्र मांग लो तो कहे कहूँ कोई कुछ कहता है कहूँ कुछ कहता है ऐसे कि तो नारद जी आ गए नारद जी बोले हम बताएं क्या मांग लो कहें बताओ नारद जी क्या मांग लें कहने लगे कि सोने के कटोरे में दूध चावल खाते हुए खीर खाते हुए अपने अपने पोते को देखे तो जब सोने का धन दौलत हुई तो सोने का कटोरा हुए एक साथ मांग ले बड़ी चालाक नारद जी बताया था नारद जी चालाक ना बुढ़िया तो ने मांगा था हाँ नारद जी बताओ थे ना कि सोने के कटोरे में ऐसे कर ले सोने के कटोरे में दूध चावल खाते हुए अपने पोते देखे हम कहे हाँ ठीक है अब गई तो कहे तो कई दिन यही कहें तो कहें तथास्तु तथास्तु करने के बाद तो कहना कि सब कुछ तो मिल गया तुम्हें अब तो तुम बताओ ये बताए इसको तुम्हें कहे नारद जी कहना हम जान गिर हम नारद जी बताए ना उनको बता सकते कहना जाओ अच्छा तो जैसे उनके जी मतलब पूरा पूरा हुआ सब कुछ मिला वैसे भगवान सबको को मृग मध को उसे दो मैना चंद्र बदननी को अम्बे गौरी समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे गले माला कंठन पर साजे अम्बे गौरी के हरि वाहन राजे
देखो ये भैया मोटापा कम करने का राज है, इतने इतने पेड़े और एक एक कटोरी दही, जो भी खाएगा मोटा एकदम से, महीना भर खाओ एकदम से पतले, बिल्कुल पतले हो जाओगे। ये हमारा भी रखा है देखो, हम भी खा रहे हैं रोज, तभी पतले हो गए। जिसको होना हो तो भाई वो इतना करे, ना होना हो तो फिर कोई बात नहीं, जिसको मोटा होना वो बंद कर दे बिल्कुल। ले भाई पेड़ा खा लो, जिसको जिसको खाना हो। देखो कैसे खा जा रहे, हम लोग को पेड़ा मिल रहा है भाई खाने को। नसीबा